स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल गुड टेक में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल कीबोर्ड के अंदर अपना इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है दोस्तों, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा पल पल अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो के आगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें रेड के बटन दबा के। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा पल अपडेट आपको। सब्सक्राइब करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता होगा। तो सिंपली आपको सिर्फ बेल के आइकन पर क्लिक कर देना होगा। सिंपली आपको बेल के आइकन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि हमारा पल अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो के आगे। चलिए हम आ गए अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर और बताते हैं आपको कैसे और कहां से लगाना है। तो उसको लगाने के लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, आप वहां से जाके प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं और बताते हैं आपको कैसे आपको सेव करना है। मैं गुड और आप देख रहे हैं गुड टेक। तो चलते हैं हम प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। सिंपली हम प्ले स्टोर में चलते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ प्ले स्टोर पे क्लिक कर देना है। तो देखिए खुल गया प्ले स्टोर। तो सिंपली आपको यहाँ सर्च बार में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है गूगल। देखिए आपको यहाँ सेकेंड नंबर पे देखने को मिलता होगा गूगल इंडिक कीबोर्ड। तो सिंपली आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों हम इंस्टॉल कर लिए हैं। तो आपको भी यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपली हम इसको ओपन करते हैं और बताते हैं आपको कैसे लगाना है। तो सिंपली हम यहाँ ओपन पे क्लिक कर दिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको जाना है कीबोर्ड में। तो आपको यहाँ जाना है कीबोर्ड में। सिंपली आपको यहाँ कीबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करना है आपको। सिंपली आपको यहाँ पे गेम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गेम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। डेम पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सेट कीबोर्ड डेम का ऑप्शन आ गया है। तो आपको यहाँ से इसमें बहुत सारा कलर भी है, आप जो चाहे उस कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अपना यहाँ फोटो लगा के दिखाऊंगा। तो चलिए हम यहाँ से अपना आप इसमें से फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको जो अच्छा लगे उस फोटो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे सेट किए थे पहले से ऑलरेडी, तो आपको दिखाता हूँ कैसे। तो सिंपली इस फोटो को मैं ले लिया हूँ और यहाँ सिंपली ले लेने के बाद फिर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद देखिए यहाँ सेव हो गया है। तो सिंपली हम अपने चलते हैं और टाइपिंग आपको करके दिखाते हैं कि सेव हुआ है कि नहीं। सिंपली हम चलते हैं आपको टाइप करके दिखाते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर ले रहे हैं, इस पर टाइप करके आपको दिखाते हैं। तो सिंपली देखिए दोस्तों आपको यहाँ इमेज देखने को मिलता होगा। तो सिंपली आप देखिए टाइप करके, और इसमें आपको एक और भी सेटिंग में बता दे रहा हूँ कि इसमें हिंदी भी हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए अब हिंदी में लिखाएगा। देखिए जो हम लिख रहे हैं वो हिंदी में लिखाएगा।
और इसका इंग्लिश यहाँ पे दे रहा है। तो देखिए आप हिंदी चाहे तो हिंदी कर सकते हैं, दबा के इंग्लिश कर सकते हैं, देखिए इंग्लिश में लिखा रहा है। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आज का। तो चलिए आज का बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।